हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन भुना मसाला की रेसिपी। इसे मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है, एकदम नया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा, आपको फर्क खुद ही नजर आएगा, बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने वजन से 1 किलो के करीब यहाँ पर चिकन है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने इसे 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो कर ले लिया है। चलिए यहाँ पर आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, इनको देखिए बीच में से इस तरीके से चीरा लगा दिया है मैंने, ताकि इसमें अच्छे से मसाला सब अंदर तक जा सके। और अब यहाँ पर डालेंगे ये दही। तो यहाँ पर मैं इसमें 5 चम्मच दही डाल रही हूँ। दही खट्टा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। साबुत धनिया को आप तुरंत ही कूट करके उसका पाउडर बनाकर डालेंगे ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरीके से। अब 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, और साथ ही में यहाँ पर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच डालेंगे। अब तीखेपन के लिए 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। और यहाँ पर अब इसमें डाल देते हैं चिकन मसाला। तो 2 बड़े चम्मच चिकन मसाला का हम इस्तेमाल करेंगे। चिकन मसाला ज़रूर डालना है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आता है। तो चिकन मसाला का कोई भी पाउच आप ले सकते हैं, 10 रुपये का बहुत ही ईजिली मिल जाता है। अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। और बस अब इसमें डालेंगे वो चीज़ जिसके बिना तो सब्ज़ी में टेस्ट आने वाला नहीं है, तो वो है नमक। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे इस तरीके से। नींबू के बीज हमें नहीं डालने हैं। नींबू से क्या होता है, जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी पक जाता है। नींबू और दही का हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से मैरिनेट करके बनाते हैं तो जल्दी पक जाती है सब्ज़ी। चलिए अब यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल दीजिए भाई, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से मसल कर डालिएगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, कुछ लोग इसे कड़वा तेल भी बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कच्चा तेल डालना है, पका कर नहीं डालना है। इस तरीके से बना कर देखिए एक बार और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सच पानी फ्रेंड्स, आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। 3 से 4 मैंने यहाँ पर तेज़पत्ते डाल दिए हैं। बस हमने अब इसमें कोई मसाला नहीं डालना है, तो अच्छी तरीके से अब मसालों के साथ में चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है, ताकि जो मसाले हैं चिकन में अंदर तक उसका फ्लेवर जा सके और चिकन एकदम सॉफ्ट और जूसी बने। चिकन को मैरिनेट करने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ आपको अदरक डाल देना है अब, और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा 2 चम्मच के करीब यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल दीजिए, और इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उससे पहले 1 मीडियम साइज़ का टमाटर देखिए कट कर लिया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसे डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये देखिए बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों का, मसालों का फ्लेवर अच्छे से चिकन में आए, चिकन अच्छे से सॉफ्ट और जूसी और टेस्टी बने, इसके लिए इसे रेस्ट के लिए रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब चिकन रेस्ट कर रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कुछ इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है, और इसके लच्छे हमें चाहिए तो इस तरीके से लच्छे इसके निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, तो यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, यानी कि लोहे की कढ़ाई। आप चाहें तो स्टील की कढ़ाई या फिर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर इसमें सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, एक बार बनाकर देखिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, इसको धुएंदार गरम करेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चापन रहता है ना वो निकल जाए। अब आप सोच रहे होंगे हमने सब्जी मैरिनेट करने में जो डाला था उसका क्या, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली है, उसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है अच्छे से धुएंदार, तो बस ये प्याज को डाल दीजिए इसमें, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इस प्याज को हमें भून लेना है। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छा सा कलर आने तक भूनना है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए और प्याज अच्छे से क्रिस्पी हो जानी चाहिए, तब तक भून लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर काफ़ी बढ़िया से डार्क हो चुका है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं 8 से 10 काजू। इससे जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। 1 मिनट के लिए काजू को डालकर भी प्याज को भून लीजिए, और बस अच्छे से भून जाए तो इसके बाद इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। पर आपके पास काजू ना हो तो कोई बात नहीं, काजू को स्किप कर दीजिए। अब इन्हें अच्छे से ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार में डालकर आप इन्हें पीस लीजिएगा।
चलिए यहाँ पर जो तेल बच गया है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने सब्ज़ी मैरिनेट करके रखी थी चिकन, अब इसमें इसे डाल देते हैं। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है इसे मैरिनेट करके, तो चलिए इसे डालकर अब इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। पहले गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसे अच्छे तरीके से हमें भूनना है। तो 1 मिनट के लिए ऐसे ही हम इसे भून लेंगे चलाते हुए, और 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे और ढककर अब इसे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। जो चिकन है उसने अपना पानी छोड़ दिया है, जो टमाटर है, प्याज है, सभी ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसमें आपको काफ़ी पानी दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं प्याज किस तरीके से खिल गई है। तो प्याज और टमाटर कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके से बिल्कुल इसमें मैश हो जाते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसे। अब इसमें डाल देते हैं प्याज और काजू की जो प्यूरी बनाई है ना, जो पीस करके रखी है, मैंने इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालकर इसे पीस लिया है। अब इसे डाल करके मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब, और इसे भी इसमें डाल देते हैं। अब बस इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पर हाँ, अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है, ग्रेवी चाहते हैं, आपको ग्रेवी पसंद है सब्ज़ी में, तो आप डाल सकते हैं पानी। मैंने बनाई है ऐसे बनाना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल अब इसमें नहीं करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और जो हमने प्यूरी डाली है अभी प्याज और काजू की, इसके साथ भी इसे अच्छे से पकाना है। तो बस अब इसे ढक दीजिए और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए, लो फ्लेम पर पकने दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप इसे फिर से चेक कर लीजिए, और बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिए बार बार। और अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ लिया है, और आधा टीस्पून यहाँ पर आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लिया है यहाँ पर मैंने। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे भी, और बस अब गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 मिनट हो चुकी हैं लगभग, 5 मिनट हमने पहले पकाया था, तो लगभग हमने आधा घंटा यानी कि 30 मिनट के लिए इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना बढ़िया आया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और आप इसका अरोमा देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर चिकन बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चिकन बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और देखिए प्याज किस तरीके से घुल गई है। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे, प्याज और टमाटर कहाँ चले गए आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से हमारी मेहनत भी बच जाती है, प्याज टमाटर काटने नहीं पड़ते हैं, और आराम से हमारा काम भी हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है चिकन, 25 से 30 मिनट में ही अच्छे से पक जाता है। अब यहाँ पर इसका टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो भाई इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, है तो ज़रूर डालिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। सबसे लास्ट में जब हम इसे खाएंगे ना, तो एक चीज़ और डालने वाली हूँ, वो आगे दिखाती हूँ आपको। चलिए अच्छे से सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं, और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं नींबू का रस, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों आप भी इसे बनाइए, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे रोटी, चावल, चपाती या फिर नान के साथ खा सकते हैं, और साथ में धनिया पुदीने की चटनी बनाना ना भूलिएगा। इसकी लिस्ट मैंने देखिए, आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने आपको बताए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर जार में पीस लीजिए, बस सुपर टेस्टी सी ये चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों फैमिली के साथ में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।